Hello everyone, good morning all of you. Today we are welcome to our chemistry classes with Daljeet sir. Today we are taking a new topic, that is your Vesper theory. And now we are discuss about Vesper theory. ठीक है, आज हम बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. कौन सी हमारे पास बच्चों? ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी. ओके, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी में अब होती क्या हमारे पास? देखिए भाई, जब आपके पास मेंशन किया गया, हमने ड्रॉबैक्स पढ़ी ऑक्टेट रूल्स की इन माय फर्स्ट वीडियो सीन अबाउट दैट, कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स या आपकी लिमिटेशंस ऑफ आपके पास लेविस लैंग्वेज कंसेप्ट. उसके बाद में हमारे पास इस थ्योरी को देने के बाद आगे कि भाई लेविस कंसेप्ट की ये थ्योरी किसको एक्सप्लेन करेगी, ये खाली किसके लिए थी? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल किसके लिए? उसने कहा कि जो ऑक्टेट रूल था, दैट मींस दे डू नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड बट दिस थ्योरी गिव द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या कहते हैं इसमें हमारे पास शेप मॉलिक्यूल्स में, इनको बनाने के लिए हमारे पास 1957 में आपके पास इस थ्योरी को दिया गया. किसके द्वारा भाई? नाइलोन्स एंड ग्लिप्स के द्वारा. 1957 में ये दिया गया हमारे पास नाइलोन्स. आपके पास ठीक है, जो आईई इन्होंने दिया हमारे पास, ठीक है, ESPI. और इन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सराउंडिंग, क्या कहा इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं सराउंडिंग चारों ओर लाइज करते हैं हमारे पास किसके? सेंट्रल मेटल एटम. द सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम. इनके पास आते क्या कहते हैं? रिपेल वन अनदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं हमारे पास. एंड मूव सो फार एक दूसरे दूर चले जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. जब भाई रिपेल करेंगे, एक इधर जाएगा तो डिस्टेंस जो है उनकी डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी. एक दूसरे से क्या जाएंगे? वो दूर जाएंगे हमारे पास, ठीक है. एंड देयर आर नो रिपल्शन बिटवीन, एंड देयर आर नो फर्दर रिपल्शन उनके बीच में, ठीक है, बिटवीन देन, ठीक है. तो एज रिजल्ट क्या होगा पास? एज ए रिजल्ट, तो ये चीज होगी. तो हमारे पास एज रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? द मॉलिक्यूल्स हैव हैज मिनिमम हैज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. दैट इज योर वेस्पर थ्योरी. इलेक्ट्रॉन पेयर जो सराउंडिंग होते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स के, रिपेल करते हैं वन अनदर एंड मूव फार अपार्ट फ्रॉम टू ईच अदर. इट मीन देयर आर फर्दर नो रिपल्शन बिटवीन देम. It means क्या आपका रिजल्ट? मॉलिक्यूल्स हैज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्या कहा?
कि जो सेंट्रल, आप इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास, वो क्या करते हैं, लिंक करती है टू अदर एटम बाय किसके द्वारा, बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड, किसके द्वारा, बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड्स। और बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके पास क्या होगा, विच आर फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपके पास इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किससे बनाते हैं, विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और क्या होगा कि 10 जो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है इज सराउंडेड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज शेयर्ड बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपके पास जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मे बी सेम लोन सम ऑफ लोन पेयर्स, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, और उसके अंदर क्या रहेंगे, कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और जो लोन पेयर रहेंगे तो आपके पास क्या होगा, द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिमांड्स करती है हमारे पास, किस पे डिमांड्स करती है, इट शुड हैव मिनिमम एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके पास क्या स्टेबिलिटी है, मिनिमम एनर्जी डिमांड्स करती है, ठीक है। और इफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर सराउंडिंग द, इफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर, अब उसने बोला ना आगे एक वर्ड, देयर आर नो फर्दर रिपल्शन बिटवीन देम, इस वर्ड के लिए बोले इफ, यहां पर हम बात करेंगे कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम्स आर नेवर, तो दे विल बी रिपेल ईच अदर एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी, और उससे क्या होगा, आपके पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, बिटवीन देम विल बी लेस एंड आपके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसके लिए हमारे पास, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बट इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर सो फार अपार्ट, परंतु जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से क्या हो, दूर हो, तो आपके पास क्या होगा, द रिपल्शन बिटवीन देम विल बी लेस, उनके बीच में रिपल्शन कैसा रहेगा, लेस रहेगा, एंड द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी लो, और एनर्जी क्या रहेगी, लो रहेगी, ठीक है। तो द इन चीजों को मिलाकर आपके पास एक नेट डेफिनेशन दी गई, दैट इज दिस द वेस्पर थ्योरी, कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो सराउंडिंग होते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स के अंदर, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को और क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, इट मींस उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन बिटवीन, नो फर्दर रिपल्शन, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कोई रिपल्शन नहीं होता उनके पास, और इट मींस दे हैव रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट इज योर वेस्पर थ्योरी। अब इस कंसेप्ट से हमारे पास, ठीक है ना, इस कंसेप्ट से आपके पास एक हुआ कि जो आफ्टर रिपल्सन होता है, कि आफ्टर रिपल्सन द इलेक्ट्रॉन्स पेयर टेक अप ए डेफिनेट पोजीशन, जब रिपल्सन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या करते हैं, टेक अप ए डेफिनेट पोजीशन, वापस क्या लेते हैं, डेफिनेट पोजीशन ले लेते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के चारों, उसी से उसकी डिनोट होती है शेप, क्या होती है शेप। अब हमारे पास क्या है इसमें कि द अबाउट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से द फॉलोइंग पॉइंट्स आपके पास, हमारे पास आए अबाउट जो कंसेप्ट था आपके पास, तो वो आपके पास क्या फॉलोइंग पॉइंट्स लेके आया हमारे पास, जिसको आप बेसिंग आप इससे हम पढ़ेंगे, अब बेसिक assumptions of Vesper theory, क्या पढ़ेंगे हम, basic assumptions of Vesper theory, क्या पढ़ेंगे हमारे पास, for first point कि जो भी element है, first point हमारे पास कि shape of molecule containing two electron, अगर आपके पास कोई भी element कितने electron ले रहा है, दो ले रहा है, तो उसकी shape कैसी होगी, लीनियर, पहला पॉइंट था आपके पास, ठीक है, कि द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल्स आपस कंटेनिंग ओनली टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज मींस लीनियर शेप, ठीक है। एंड फॉर आपके पास का सेकंड, आप फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग थ्री और मोर एटम्स,
थ्री और मोर इलेक्ट्रॉन आएंगे सेंट्रल एटम्स में हमारे पास, वो आपके पास किससे लिंक रहेंगे, ये उनकी शेप क्या रहेगी, अलग रहेगी भाई, ट्राइगोनल। और अभी इसमें आपने क्या कहा, एक दूसरे को रिपेल, हमने जिक्र भी किया था, आपसे बातें भी की थी बच्चों की इसके बारे में, एक इसके बारे में बात की बॉन्ड पेयर, और एक बात की उसके साथ क्या हो लॉन्ग पेयर, बात किया किस पे आप, तो कह रहे हैं इन द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड किससे हमारे पास, अनदर डिफरेंट हमारे एटम सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन्ग पेयर, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिंक्ड है चारों तरफ से किससे, सेंट्रल सॉरी बॉन्ड पेयर, ये तो हो गया बॉन्ड पेयर, और ये हो गया आपका लॉन्ग पेयर, ठीक है, ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया लोन पेयर, इससे गिरी हो तो आपके पास क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन से, कि द रिपल्शन बिटवीन देम आर डिफरेंट, अगर इफ सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड या सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आर प्रेजेंट, देन दे आपके पास क्या शो करेंगे मॉलिक्यूल्स, आपके पास रिपल्शन बिटवीन देम आर डिफरेंट, उनका जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, और वो जो रिपल्शन होगा आपके पास एज ए रिजल्ट तो क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल्स हैज एन इरेगुलर रिपल्शन, क्या होता है मॉलिक्यूल हैज एन इरेगुलर कब, या आपके पास डिसऑर्डर ज्योमेट्री, या तो इरेगुलर या डिसऑर्डर, ज्योमेट्री कैसे आएगी ज्योमेट्री, एंड द रिपल्सन्स आपके पास दिखाया गया, रिपल्सन्स द रिपल्सन्स आपके पास शो किया गया, द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन्स हमारे पास बिटवीन किसके इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास शो किया गया कैसा है बच्चों, लॉन पेयर, लॉन पेयर ग्रेटर देन होता है हमारे पास इससे, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर किससे होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये आपके पास द ऑर्डर ऑफ रिपल्शंस किसके पास हमारे पास शो किया गया बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज एज फॉलो, सबसे ज्यादा किसमें बेटा लॉन्ग पेयर फिर लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, कि एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर है भाई, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर सराउंड द एटम, सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, ये आपके पास होती है सराउंड द सेंट्रल मेटल, तो क्या लोन पेयर में आपके पास दीज कंटेन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करती है अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, तो ये इन्होंने किसने दिया वेस्पर थ्योरी ने कहा कि भाई आपके पास कितने लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन है कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और दे आर सिलेक्टेड किसके सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और वो आपके पास शेप देते हैं एक्चुअल में, ठीक है, ये आपके पास बेस्ड ऑन दिस हमारे पास कहते हैं 2, 3, 5 में आपको शेप करवाता हूं, ये आपकी थी वेस्पर थ्योरी, कुछ पॉइंट्स थे बेसिक अजम्पशन थे, तो वेस्पर थ्योरी दो चीजों इससे पॉइंट निकले हमारे पास कि वो दो चीजों पे डिपेंड है, एक तो हमारे पास क्या है लॉन्ग पेयर पर, दूसरी किस पे है बॉन्ड पेयर, तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बॉन्ड पेयर, इफ
आपके पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री की बात करता है, एक सेंट्रल मेटल एटम है ए, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये तो क्या हो गया ज्योमेट्री है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ए, और दो उससे जुड़ गए बी, दो क्या है हमारे पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास शो कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी शेप कैसी आ जाती है हमारे पास लीनियर, कैसी शेप आ जाती है उसकी लीनियर, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्लियरली लीनियर, इलेक्ट्रॉन पेयर लीनियर, और ये हो गया आपकी ज्योमेट्री या शेप डेफिनेट हमारे पास, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, तीन आ रहे हैं, जनरली मैं आपके पास बना रहा हूं उसके पास कि देखो इधर देख लीजिए टू, कि दो है तो ए बी टू, तीन है ए बी थ्री, चार है ए बी फोर, पांच है ए बी फाइव, छह है ए बी सिक्स, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन थ्री फोर फाइव सिक्स, ये उसकी शेप है हमारे पास। ए क्या रिप्रेजेंट कर रही है सेंटर मेटल एटम को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉन्ड पेयर को, तो भाई आपके पास क्या शो कर रहे शो, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमने रखा ए और बी, अब आप चाहे इसको इधर रखो, इधर रखिए जी, इधर इसी साइड में रख लीजिए, ठीक है, आपके पास शेप ऐसी आएगी, एक सीधी शेप आएगी जिसको आप बोलोगे लीनियर, क्या बोलोगे आप उसको लीनियर। नेक्स्ट आपके पास ए बी थ्री, ए बी बी बी, ये शेप बी क्या है हमारे पास, ये बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जुड़ रहे हैं हमारे पास सारे, कोई भी लोन पेयर नहीं है, खाली अभी हम बात शेप की किसमें कर रहे हैं बॉन्ड पेयर में, और मैंने तो आपको ये कहा जिसमें दो बॉन्ड पेयर हो ये शेप बनेगी लीनियर, तीन बॉन्ड पेयर हो हमारे पास, तीन पे आते कैसे बन जाएगी आपके ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और चार की शेप आ गई तो आपके पास क्या बन जाएगी ए बी बी टेट्राहेड्रल, पांच आ गए तो तीन तो हमारे पास कहां चले गए एक्सियल में, तीन एंगल कौन से हो गए एक्सियल, और दो कौन से उसके परपेंडिकुलर हो गए इक्विटोरियल, तो ये आपके पास ट्रायगोनल हो गई, ये पायरामिडल हो गई, ऊपर भी है नीचे भी है ट्रायगोनल बाय पायरामिडल, ठीक है। अब छह आ जाए ए लिखो ना लिखो इसको ऑक्टेट, अगर सात आ जाए सेवन आ जाए हमारे पास सेवन ए बी सेवन ए, ये आपके पास ऐसे के ऐसे, पांच है छह, ये रहा जो ऊपरी शेप थी, आप चाहे इधर ले लीजिए इधर इस साइड किसी भी ले ली, वो इस पे इफेक्ट तो डालेगा भाई, वो इसको क्या करेगा बच्चों थोड़ा सा अपनी जगह से चेंज कर देगा, बी और बी एंगल को चेंज कर देगा, वो इसी एंगल को डिफाइन करेगा, और ये क्या है ऑक्टाहेड्रल शेप को डिस्टर्ब किया गया है, डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल, दैट इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स आपके पास, इन विच ए सेंट्रल मेटल एटम कंटेन्स ओनली
या बॉन्ड पेयर्स, ओनली बॉन्ड पेयर्स. तो यू कैन सी एंड यू कैन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल, BeCl2 लाइक एट BF3, PF5, CH4, SF6 एंड IF7 एटसेट्रा. तो यू कैन रीड एंड टू ड्रा द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन योर नोटबुक and to study and to see my videos, and they are the different types. In this video we can study about valence and electron repulsion theory. Okay, thank you.